पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अलावा राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। नड्डा आवास पर हुई इस बैठक में विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी के सभी दिग्गजों के बीच हुए इस मंथन के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा नेताओं की तिगड़ी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात को वैसे तो 3 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव और संगठनात्मक मजबूती के सिलसिले में होना बताया गया है, लेकिन इनके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि 3 सीटों में उपचुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर भी कोई कार्यक्रम बना है। नड्डा से प्रदेश भाजपा नेताओं की चर्चा को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कुछ समय पहले तक पार्टी के नेता प्रदेश में सरकार गिराने के दावे भी कर चुके हैं। कटारिया, पूनिया और राठौड़ सहित कई नेता अगले 6 महीने में सरकार गिराने के दावे कर चुके हैं। पूनिया, कटारिया और राठौड़ के दिल्ली जाने का कार्यक्रम गुरुवार को अचानक तब बना जब सुप्रीम कोर्ट ने बसपा कांग्रेस विलय मामले में विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश नेताओं की इस मुलाकात को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में नड्डा और प्रदेश भाजपा के 3 नेताओं के बीच मुलाकात में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे नदारद रही। राजे की मौजूदगी हर बार चर्चा का विषय बनी रहती है। इस बार भी ऐसी चर्चाएं पार्टी के अंदर खाने होने लगी हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार साथी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद पल्लवी। सर बड़ी बात यह है कि आज देखिए राजस्थान भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचा, लेकिन वसुंधरा राजे नदारद रही। किस तरह से देख रहे हैं? और लगातार वसुंधरा राजे को लेकर वैसे ही प्रदेश में अलग अलग कयास लगाए जाते रहे हैं, और ऐसे में आज की इतनी अहम मीटिंग में वसुंधरा राजे का नाम होना क्या दर्शा रहा है? देखिए वसुंधरा राजे का जो कद है और उनका जो कार्यशैली रही है, राजस्थान के परिदृश्य में देखेंगे कि गहलोत और उनका अपना एक रिलेशन है, और समय समय पर बीजेपी में इस बात पर भी प्रश्न उठता रहा है कि वो एक दूसरे के खिलाफ कहीं कुछ नहीं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के संबंध है, तो वो लगता है। देखिए 3 विधानसभा सीटों पर चर्चा तो एक भी वो कहने का है जो भी मीडिया में क्या कहा जाएगा किस पर मंथन हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में जिस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, और आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी एक कोशिश हुई थी, ये बात अलग थी कि भी राजेश पायलट जितना एक संख्या की उम्मीद थी उतनी संख्या में एमएलए अपने साथ नहीं ला पाए, और कहीं ना कहीं जो प्लान बी था वो फेल हुआ। तो कई चीजें एक्चुअल में इस ओर एक इशारा करती है कि भी 3 विधानसभा सीटें तो है ही हैं, भी चुनाव में किस तरह जाना है और जिस तरह बीएसपी और कांग्रेस का अब चल रहा है, तो कहीं अगर यहाँ फूट होती है या मान लीजिए आला कमान कोशिश करता है, बीजेपी आला कमान अगर थोड़ा सा आवाज देता है तो पहले जो कयास लगाए जा रहे थे वो दोबारा से कहीं इस तरह की कवायद या उस तरह का परिदृश्य कहीं देखने को न मिले, मेरा अपना ऐसा मानना इस सब मंथन में और इस सब हाई लेवल मीटिंग में सिर्फ 3 विधानसभा सीटें का उपचुनाव ही नहीं, बहुत सारी चीजों पर जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है राजस्थान में उन पर और आगे सरकार बनाने की संभावनाएं क्या है, और सरकार बनाने की संभावनाएं तो कौन किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, कौन रहेगा और कौन उसको लीड करेगा, तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इस मुलाकात में डिस्कस हुई होंगी जो कि पब्लिक डोमेन में या मीडिया में नहीं आ पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गहन और बहुत क्लोज एक्चुअल में रणनीति पर कहीं ना कहीं बीजेपी काम राजस्थान में कर रही है, ऐसा आभास जरूर मिलता है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी देखिए वसुंधरा राजे को दरकिनार करना क्या इतना आसान होगा भाजपा हाईकमान के लिए? उनका एक अलग ही कद, एक अलग ही छवि राजस्थान के परिदृश्य में बनी हुई है, तो उनको दरकिनार करना क्या बीजेपी के लिए इतना आसान है? देखिए आसान नहीं है बिल्कुल, ये सर्व विदित है, सबको पता है, पार्टी आला कमान को पता है, और इसीलिए बार बार कोशिश होती है कि वसुंधरा राजे को कहीं केंद्र की राजनीति में लाया जाए और यहाँ उनको व्यस्त रखा जाए। क्यों? जब तक वसुंधरा राजे हैं उन्होंने कोई दूसरा नेतृत्व वहां पर पनपने नहीं दिया है,
और उसी का परिणाम है कि जब भी मुख्यमंत्री की बात आएगी तो वसुंधरा राजे को इग्नोर करना कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए फूट होती है, कोई भी गुट अगर आता है तो उसको संतुष्ट करना, वो कहीं मान लीजिए टूट के दूसरी पार्टी से आ रहा है तो वो वसुंधरा राजे का नेतृत्व स्वीकार करता है या नहीं करता, ये उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और वसुंधरा राजे देखिए डेडली कहीं भी गहलोत के खिलाफ नहीं जा सकती, ऐसा कुछ लोगों का कयास वहां पर ये भी है कि भी उनके पर्सनल संबंध है इसलिए वो इस तरह का कोई कवायद या इस तरह की कोई एक्सरसाइज होगी तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है और नेता कितना भी बड़ा हो, देखिए नेता से पार्टी नहीं होती, बिल्कुल जो नेता का कद है वो पार्टी से है। अगर वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ है, बीजेपी के नेता है तो बीजेपी में उनका कद है, लेकिन ये सोचें कि भी ये संभव नहीं है कि भी उनके अलावा कोई दूसरा, तो देखिए समय और परिस्थिति बहुत कुछ चीजें बदल देती है। हाँ ये बात अलग है कि भी उस कद पर या वसुंधरा राजे वो शायद बर्दाश्त करें या न करें या अगला स्टेप उनका क्या होगा इस बारे में अभी आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन उनका गुस्सा सर्वविदित है कि समय समय पर वो इंडिकेशन दे रही है कि भी वो संतुष्ट नहीं है पार्टी आलाकमान के साथ, वो पार्टी का आलाकमान से ऊपर अपना जो उनका नेतृत्व की क्षमता है या लीडरशिप की जो क्षमता है उसको वो कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है उसको भी चैलेंज वो कर देती है, ये उनका स्वभाव रहा है और वही देखने मिल रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में उनका उपस्थित न रहना, उनकी अनुपस्थिति में ये सब विचार विमर्श होना कहीं ना कहीं बेमानी नजर आता है पल्लवी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यह है कि इतनी अहम मीटिंग हो रही है और खुद वसुंधरा राजे उसमें मौजूद नहीं है, वाकई में बहुत कुछ दर्शा रहा है राजस्थान की सियासत में, खासकर बीजेपी राजस्थान की सियासत में इतना कुछ आसान दिख नहीं रहा है, आने वाले समय में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। सर हमारे पास अलग अलग मुद्दे हैं और हर मुद्दे पर हमें आपसे ही बातचीत करनी है, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको अगली खबर से भी रूबरू करवा देते हैं। दरअसल देखिए राजस्थान की सियासत में जो कुछ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जेपी नड्डा से आज मुलाकात हुई है, इस बीच में कोरोना और कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम जो मसले हैं वो उठ रहे हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं, कोरोना अब किस स्थिति में है ये भी बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, तो इसी को लेकर अगली खबर भी आप तक पहुंचा देते हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यों-ज्यों कम हो रहा है त्यों-त्यों राज्य सरकारें स्कूल खोलने के फैसले भी ले रही हैं। बिहार और पंजाब में क्रमशः 4 और 7 जनवरी से स्कूल खुल गए, तो राजस्थान सरकार ने भी 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज समेत सारे कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन हर राज्य से स्कूलों में बच्चों शिक्षकों और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव की खबरों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सरकारें कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले स्कूल खोलने में जल्दबाजी दिखा रही हैं। सवाल यह है कि क्या कोरोना टीका लगाए बिना बच्चों के संक्रमित होने का जोखिम उठाना उचित है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में अभिभावकों को अब भी डर सता रहा है कि कहीं उनके बच्चे स्कूल जाकर कोविड-19 महामारी को न्योता ना दे दें। बिहार में मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड अंतर्गत ममई गांव स्थित लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यापीठ के 22 बच्चे गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहां स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर एंटीजन टेस्ट किया था जिसमें 22 बच्चों के अलावा 2 शिक्षक और 1 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाया गया। इससे पहले भी जब नवंबर में पहले स्कूल खोलने शुरू हुए थे तो हर राज्य और तकरीबन हर जिले से किसी ना किसी स्कूल से बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबरें आती रही हैं। जो सामाजिक स्तर पर जो ये कोविड की भयावहता को हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये स्कूल स्टार्टअप की जो बात हुई है और उसमें बच्चे की स्क्रीनिंग हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला चीज़ है कि कोविड अभी बहुत गया नहीं। हम लोग ऐसे तैयारी पूरी कर चुके हैं, असरगंज में पूरा कंटेनमेंट जो सर असरगंज के अन्य स्कूलों को भी स्क्रीनिंग कराया जाएगा, क्लासेस होते हैं तो सैंपलिंग रैंडम होगा, अगर पॉजिटिव आएंगे तो उसका टेस्ट किया जाएगा और जो एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम्स को गठित कर दिया गया है वो अपना स्क्रीनिंग। आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर किस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन से पहले स्कूल कॉलेज हर जगह लगभग हर जगह पे ही खोले जा रहे हैं और जगह जगह से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि स्कूलों में जाने वाले बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं।
देखिए पल्लवी रिस्क तो है, ये नहीं कह सकते, अगर रिस्क नहीं होता तो सरकारें इतने लंबे समय तक इसको लिंगर ऑन नहीं करती। कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात से डरती है कि देखिए जिस तरह की महामारी है और जितना विकराल रूप है और अब तो एक नया उसका एक रूप भी वायरस का आ गया है, तो कोई भी सरकार ये जिम्मेदारी लेने के लिए अपने सर पर ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि भी उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से, उसकी जल्दबाजी की वजह से बच्चे कहीं बीमार हुए या टीचर, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीमारी फैल रही है तो ये डर स्वाभाविक भी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है पल्लवी कि बहुत लंबे समय तक स्कूलों को बंद नहीं रखा जा सकता। आप देखेंगे मार्च में सेशन खत्म हो जाता है और बोर्ड के एग्जाम भी है, तो वहां शिक्षा से वंचित रखना या शिक्षा से दूर रखना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है। जहां देखिए एक प्रश्न भी उठता है, उंगली भी उठी है कि भी सरकारों ने, आपने देखा होगा कि 2200 वगैरह जो शराब के ठेके थे वो खोल दिए, लेकिन स्कूलों पर तो जहां से रेवेन्यू मिल रहा था वो सरकारों की प्रायोरिटी थी, यानी एजुकेशन प्रायोरिटी में नहीं है, जबकि एजुकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, दूसरा उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन साथ साथ रिस्क है। तो अब जब इतना टाइम गुजर गया है तो कहीं ना कहीं देखिए टीकाकरण शुरू हो चुका है, तो प्रायोरिटी पर जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को या दूसरे लोग जो बिल्कुल कोरोना से फेस टू फेस लड़ रहे हैं या इन्वॉल्व हैं उसमें, उनके टीकाकरण के साथ कहीं ना कहीं बच्चों पर या टीचरों पर, देखिए बच्चों के लिए तो अभी कोई उस तरह का परीक्षण हुआ नहीं है टीके का कि बच्चों के ऊपर हम अभी से एप्लीकेबल कर दें, अभी वो अंडर ट्रायल है। लेकिन इतना तो हो सकता है कि जहां हम स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, दूसरे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं कोरोना के, उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, तो स्कूल का स्टाफ और स्कूल के टीचर, मेरा जो अपना सुझाव है कि उनका भी टीकाकरण किया जाए, जिससे कि आपने देखा होगा कि एक टीचर है अगर वो पूरी क्लास में या पूरे स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो संक्रमण फैलाएगा, तो उसको रोका जा सकता है स्टाफ का टीकाकरण करके, जिस तरह स्वास्थ्य कर्मी और दूसरे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनके लिए प्रायोरिटी है, तो स्कूलों के लिए जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी प्रायोरिटी पर कहीं ना कहीं टीके का बंदोबस्त किया जाए और सुरक्षा के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए जाए, जिससे कि ये श्योर किया जा सके कि भी महामारी नहीं फैलेगी। कहीं ना कहीं जो हाइजेनिक कंडीशन है वो मेंटेन करनी होगी, मास्क मेंटेन करना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा भी प्रायोरिटी पे सरकार के लिए होनी ही चाहिए। बच्चों की शिक्षा में वैसे ही पहले से ही काफी नुकसान हो गया है, ऐसे में ये नुकसान और ज्यादा ना बढ़े इसके लिए अब सरकार को आगे आना ही होगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए आरबी उपाध्याय जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंदी। सासीकाल फुफड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे तक कह के 11 बजे जाते हो। तुसी फुफड़ जी आंख ही नहीं खोलदी, थक्या थक्या जा शरीर रहंदा है, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्यां तों यही है मेरी सेहत दा राज, इम्यूनिटी बढ़ाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई यही रामबाण। चुस्ती फुर्ती ते जोश बढ़ाउण लई तुसी भी आज ही शुरू करो एक्स प्लस मर्दाना कोर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच पंजाब में सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर ना बुलाने का फैसला किया है। अब इस मसले पर पंजाब की राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल ने फैसले को बिल्कुल सही करार दिया है। इस फैसले को पंजाब सरकार ने अकाली
अकाली दल के दबाव में लिया गया फैसला करार दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि एसजीपीसी का जो भी कार्यक्रम होता है वो साझा होता है। गुरु तेग बहादुर जी भी पूरे देश के हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में ना बुलाने का फैसला सही नहीं है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था और उन्हें सिख गुरुओं के द्वारा किसानी को लेकर दी गई शिक्षा और बातें बतानी चाहिए थी ताकि उन्हें किसानों के दर्द का एहसास करवाया जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर पूरी तरह से बादल परिवार का कब्जा है और उनके दबाव में ही इस तरह का राजनीतिक फैसला लिया गया है। इस पर अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी एक संवैधानिक धार्मिक संस्था है जिसके बाकायदा चुनाव होते हैं, ऐसे में वो किसे बुलाना चाहती है तमाम हालात को देखते हुए ही फैसला लिया जाता है और इस बार भी एसजीपीसी ने पूरे हालात को देखते हुए ही ये फैसला लिया होगा और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। चलिए आरबी उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। सर, एसजीपीसी की ओर से एक अहम फैसला लिया गया और प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं भेजा गया है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? एसजीपीसी का ये फैसला क्या राजनीति के तहत लिया गया फैसला माना जा रहा है? हालांकि जो पंजाब कांग्रेस है वो इसे गलत ठहरा रही है, बड़ी बात ये है। देखिए, ये तो सबको नजर आता है कि भाई राजनीतिक कारणों से लिया गया एक राजनीतिक फैसला है, जबकि प्रधानमंत्री कभी एक ग्रुप का या एक प्रदेश का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। हाँ, एक तरीका उनके समझ में आया होगा अभी विरोध दर्ज कराने का, जिस तरीके से पंजाब के किसान भाई संघर्षरत हैं, आप देखेंगे आप भाई आंधी तूफान बारिश सर्दी में जिस तरीके से वो दर्द झेल रहे हैं, तो देखिए जब राजनीतिक लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करें? बिल्कुल सही तो बात है। उनका भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पैंतरा है कि भाई कहीं ना कहीं एक विरोध दर्ज कराने के लिए और अपने आप को ये शो करने के लिए कि भाई हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों की मांगों के साथ हैं, हम किसानों के हितैषी हैं। तो इस तरह का फैसला वो राजनीति से प्रेरित ही है, ये नहीं कह सकते कि राजनीति से प्रेरित नहीं है। और कांग्रेस ने बिल्कुल ठीक विरोध किया है, कांग्रेस का विरोध करना भी जायज है। देखिए, मतभिन्नता हो सकती है जी, कि भाई ठीक है कानून है उनमें कुछ खामियां हो सकती हैं या वो अच्छे हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन भाई गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री को आमंत्रित न करने का फैसला कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आहत करता है, देशवासियों को आहत करता है। इस तरह के फैसले लेने से पहले व्यापक रूप से सोचने की जरूरत होती है। देखिए, आपको रियलाइज कराना है तो रियलाइज कराने के सिंबॉलिक बहुत सारे साधन हो सकते हैं कि भाई आप काली पट्टी बांध के या दूसरे और तरीकों से भी वहां उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनको ये रियलाइज करा सकते हैं कि भी किसान का जो दुख है वो उस पर सोचने को मजबूर हो, लेकिन ये जो तरीका है ये कहीं जस्टिफाइड नहीं होता है। और इस तरह के फैसले बिल्कुल स्वाभाविक है कि भी जिस तरीके से मंत्रिमंडल से अलग हुआ अकाली दल, तो वो भी किसी से छुपा नहीं है और उन्होंने फिर उसको कहा कि भी हम किसानों के समर्थन में हमने रिजाइन दिया है, जब उनको लग ही रहा था कि हम रिजाइन देंगे बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी और कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग होगी और उसमें जो भी होगा जो भी राजनीतिक लाभ हम ले सकते हैं वो लेने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन दाव कई बार उल्टे पड़ जाते हैं, तो वो इस्तीफा उल्टा पड़ा, उन्हें उम्मीद नहीं थी लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन मैसेज जो एक गया वो बहुत दूर तक गया और ऐसा लगा कि भी अकाली दल ने कहीं ना कहीं जो सरकार में सत्ता में जो भागीदारी उनकी थी, जो सरकार में भागीदारी थी वो किसानों के हित में या किसानों की मांगों के समर्थन में उन्होंने कुर्बानी दी है। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि इस तरह का फैसला भी कहीं ना कहीं लिया गया कि भी उनको आमंत्रण नहीं करेंगे या उन्हें बुलाएंगे नहीं, तो इस तरह के फैसले कहीं गले नहीं उतरते हैं। और यही विपक्षी पार्टियां बार बार ये बात कहती हैं सर कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अब आप एक धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उसका क्या? और प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर एक कार्यक्रम में आप उन्हें नहीं बुलाएंगे तो इनसे उनकी छवि खराब होगी या एसजीपीसी की छवि खराब होगी? देखिए, कहीं ना कहीं एसजीपीसी की छवि खराब होगी, प्रधानमंत्री छवि पर कोई आंच उस तरह से नहीं आता है। बिल्कुल। और देखिए, कहते सभी राजनीतिक दल हैं कि धर्म पर राजनीति नहीं करनी है, जाति पर राजनीति नहीं करनी है, आप देखेंगे इलेक्शन शुरू होते हैं विकास के मुद्दे से शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंतोगत्वा ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इलेक्शन भी विकास के मुद्दे से डीरेल होकर
जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, उसी पर लड़े जाते रहे हैं और लड़े जाते आज भी लड़े जा रहे हैं। ये कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, ये सबके सामने है। अभी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सा धर्म गुरु सूट करता है, वो उसके साथ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए और वैचारिक जो द्वंद है या वैचारिक जो मतभेद है वो एक अलग हो सकते हैं, भाई आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। और दूसरा जो पल्लवी, मैं ये भी देख रहा हूं कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपका काम करने का ढंग और बातचीत अलग होती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपका काम करने का ढंग, किसान आंदोलन को ही ले लीजिए, देखिए जब बीजेपी विपक्ष में थी तो मुझे खूब ध्यान है सुषमा स्वराज जी ने बयान दिया था संसद में कि ये बिचौलिए हैं, किसान का ऑल टाइम पेटीएम है, किसान जब भात भरता है, किसान जब बच्चे की फीस भरनी होती है तो वो उसका काम चलाता है, यही बिचौलिए उसके काम आते हैं, जहां बैंक नहीं देता लोन वहां ये लोग उसे कर्ज देते हैं और वो अपना भात भर पाता है, चोचक भर पाता है। और आज देखिए, आज उल्टा ये हो रहा है कि हम बिचौलियों को अलग हटाना चाहते हैं, बिचौलियों से मुक्त करना चाहते हैं। तो देखिए कथनी और करनी का जो फर्क है उसी का परिणाम आप देखेंगे किसान आंदोलन में, उसकी परिणति देखने को मिल रही है। देखिए सत्ता में कल कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। तो आजादी के इतने सालों बाद भी किसान अगर कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है, कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या कर रहा है, कल भी कर्ज में डूबा था, आज भी कर्ज में डूबा है, उसके पीछे यही पॉलिटिकल पार्टियां और यही राजनीति जिम्मेदार है। किसान जिस हालात में है, देखिए ये तो सब करते हैं कि हम कर्ज माफ कर देंगे, अरे भाई उसे क्यों कटोरा उसके हाथ में दे रहे हो, उसे स्वावलंबी बनाना है और स्वावलंबी बनाने के लिए देखिए कृषि रिफॉर्म करना होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कृषि में पूंजी निवेश आकर्षित करना होगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि बंपर फसल अगर पैदा हो जाती है बाजार में कोई खरीदार नहीं होता, टमाटर फेंक दिया जाता है, आलू सड़ जाता है, गन्ने में आग लगा दी जाती है, तो कब तक आप एमएसपी की बात करते हैं, पल्लवी सिर्फ 6% एमएसपी पर परचेज होती है, 6 या 7% 94% आज भी कहीं ना कहीं मार्केट के हाथों बेचने को किसान मजबूर है, यानी उसने मेहनत पूरी की, उसने फसल में पैसा भी लगाया, लेकिन जिस तरह से मजदूर की मजदूरी निर्धारित होती है कि उसे पर डे या महीने में इतना सैलरी मिलेगी, किसान पूरे फसल में काम करता है, पैसा लगाता है और जी जान से उसकी पाल पोस के फसल को बड़ा करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको मजदूरी मिल जाए, आज बाढ़ आ जाए, आज कोई आपदा आ जाए तो किसान का जो पैसा है वो भी डूब गया, उसकी मजदूरी भी डूब गई, और विडंबना ये कि वो किसी को क्लेम नहीं कर सकता, किसी को कह नहीं सकता कि मेरी मजदूरी भर गई है 6 महीने की। तो कहीं ना कहीं सरकारों को कृषि में रिफॉर्म करना होगा, हिम्मत दिखानी होगी और किसानों को विश्वास में लेना होगा। ठीक है भाई आप भली मनसा से बिल लेके आए या बुरी मनसा से, मैं उसे जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन किसान कहीं ना कहीं शंका की नजर से उन तीनों बिलों को देख रहा है, उसे लगता है कि इस बिल से मेरा भला नहीं होगा। जो आज कवायद हो रही है सरकार की तरफ से, बिल बनाने से पहले किसानों को विश्वास में लिया गया होता और आज जो संशोधन की हम बात कर रहे हैं या हम उन संशोधनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें करने को तैयार हैं, वो प्राइमरी स्टेज पर होना चाहिए। आज तो नेगेटिविटी फैल चुकी है और देखिए किसान के प्रति संवेदनशील होना होगा, ये विडंबना है पल्लवी इस देश की कि देखिए किसान अन्नदाता है, पेट भरता है, वो परेशान है और इतना परेशान है कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये सब बात करते हैं हम किसान के भले के लिए, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करती, न कांग्रेस ने लागू की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, न बीजेपी ने लागू की, जबकि वो आयोग बनाया हुआ था किसानों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई करनी थी तो वो लागू हो जाना चाहिए, आज तक सरकारों ने उस पर कोई कार्रवाई या उसको लागू। बिल्कुल, और अब किसान सरकार से नाराज है और यही बड़ा कारण है कि प्रकाश पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल भी अब सरकार से कहीं ना कहीं नाराज होती हुई दिख रही है। आरबी उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।